नैनीताल का सीन कुछ ऐसा है कि बॉम्बे का फैशन और नैनीताल का मौसम कब बदल जाए जैनी कुछ पता नहीं लगता। तो मजानू लाइफ जिनकी होती है ना वैसी है ये। देखो ऐसे हट्टे कट्टे डॉग्स है ना यहाँ के, भाई यहाँ के डॉग्स देखो पहलवान टाइप। देखो ऊपर सारे पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ पहाड़ आधे आधे ही दिख रहे हैं, सामने चाइना पिक है जो दिख नहीं रहा है, यहाँ पर स्नो व्यू है वो भी नहीं दिख रहा है। सो हाय गाइस, क्या हाल है सभी का, आई होप यू ऑल आर गुड, सो वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वक्त भाई मैं एकदम लेक के नज़दीक खड़ा हुआ हूँ और ठंडी सड़क वाला जो अपना बोट स्टैंड है वहाँ पर हूँ। तो भाई आज तो यार मस्त मौसम हो रहा है, सुबह थोड़ी बहुत बारिश हुई थी और कल तो और ऑब्वियसली बात है रेड अलर्ट था, फिलहाल आज हल्की फुल्की बारिश हुई है लेकिन मौसम बना हुआ है अभी। तो आज नैनीताल की क्या स्थिति है वो देखते हैं, मौसम कैसा हो रहा है, वेदर अपडेट्स भी जानेंगे, किस तरीके का टूरिज्म है, एंड इफ़ यू आर कमिंग सो व्हाट टू डू। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सामने वाला दो बोट स्टैंड है वहाँ पर जा रहा है जो बोट हाउस क्लब है, और थोड़ी देर पहले एकदम साफ़ हो रहा था यहाँ पर और कोहरा लग गया है, और इधर बोट स्टैंड में भी देखो टूरिस्ट वूरिस्ट तो है ही नहीं यार, एकदम खाली पड़ा हुआ है इधर। तो हम लोग चलते हैं सीधे जूमलैंड वाले एरिए की तरफ को और वहाँ देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। शायद ये वो उसे परेशान कर रहा है, वो उसे परेशान कर रहे हैं, ये सही है, मस्ती कर रहे हैं तो ये लंगूर। दिस इज़ द मिरेकल ऑफ नैनीताल लेक या नैनीताल सिटी। देखो अभी हम ठीक सामने वाले बोट स्टैंड पे थे और इसके सामने वाले बोट स्टैंड पे आ गए, तो अब देखो पूरा क्लियर हो गया मौसम। और उस वक्त हम सामने वाले बोट स्टैंड पे थे तो सारा धुंध हो रहा था ना, तो ये है नैनीताल का ब्यूटी। और दोबारा से देखो फिर आने लग गया है कोहरा जो है, से द ग्रेट फॉग ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है या लंडन फॉग यहाँ के लोकल भाषा में, क्योंकि ब्रिटिशर्स उन्होंने जब नैनीताल ब्रिटिशर आए थे तो उन्होंने यहाँ का क्लाइमेट देखा तो उन्हें इतना पसंद आया ना क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है लंदन से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स आए और अच्छे तादाद में रहे नैनीताल में, तो इस वजह से काफ़ी पॉपुलर रहा है नैनीताल शहर जो है काफ़ी समय से। तो मेन यहाँ का क्लाइमेट के वजह से है, क्योंकि ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है और ना ही ज़्यादा गर्म रहता है। ठंडा तो हमें तो खैर नहीं लगता लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं ना टूरिस्ट उन्हें ठंडा लग जाता है, बट मौसम मस्त ही रहता है यार। आज की अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो फिलहाल जो हो रहा है 19 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है और शाम को जा रहा है 14 डिग्री के आसपास, तो टेम्परेचर तो खैर अब हल्के हल्के गिरता ही जाएगा आने वाले दिनों में। अब गर्मियाँ लगभग लगभग समाप्त हो चुकी हैं नैनीताल शहर में, अब वो जिस टाइप से ये पहन रखा है ना मैंने ये पतला सा एकदम, अब ये कुछ दिनों बाद स्वेटर्स में हुडी उडी में ही घूमते हुए मिलूंगा हर वक्त। फिर आने वाले समय में जब क्या कहते हैं सितंबर अक्टूबर में से तो टोपी ओपी भी निकल जाते हैं यार, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो जाती है। और मौसम खैर ऐसा ही हो रहा है, अब देखो ठीक अगर दोबारा से मैं घूमता हूँ तो पीछे देखो ये कोहरा आने लग गया है, सो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर वेट करता हूँ और दोबारा से कैप्चर करूँगा सामने वाला एकदम, मतलब जो विजिबिलिटी होती है ना जीरो हो जाएगी देखना। देखो भाई सीधे पहाड़ गायब हो गए सामने, जितने पहाड़ थे सारे के सारे गायब हो चुके, सिर्फ कोहरा दिख रहा है। सो मतलब ये विद इन मिनट्स में हो रही हैं ये चीज़ें, सो यहाँ का क्लाइमेट जो है ना ऐसा ही है, विद इन मिनट्स में बदलता रहता है यार। इधर तो खैर अभी ये आ रहा है आगे को और मैंने कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रखा है, बिल्कुल जो रियल उसमें एकदम शूट हो रहा है एकदम। सो तभी बोलते हैं नैनीताल के लिए प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता यहाँ का मौसम यार, वही मैं तो हर बात वाली कहावत चिपकाई देता हूँ कि नैनीताल का सीन कुछ ऐसा है कि बॉम्बे का फैशन और नैनीताल का मौसम कब बदल जाए जैनी कुछ पता नहीं लगता। तो फिर यहाँ का यार ऐसा ही रहता है नैनीताल का, देखो सामने एकदम जब वाइट वॉश कर दिया होगा अब। यार हॉन्टिंग टाइप भी हो सकता है ना वैसे, आप जा रहे हो बोट में और आगे गए और सारा वाइट और पता लग रहा कि आप कहीं और निकल गए। खैर अगर आज के टूरिज़्म की भी बात करें तो हल्का है यार टूरिज़्म, उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर ये तो मेन स्पॉट है और मेन बोट हाउस जो है बैंड स्टैंड या इधर को भी जितनी भी मेन मेन लोकेशंस हैं कहीं भी इतनी भीड़ नहीं दिख रही है, तो ये तो हर बार बता ही देता हूँ कि बोट का जो है पूरी झील का पूरा चक्कर 210 रुपये है और 160 रुपये आधा चक्कर है, सो बोट का किराया है लिखा हुआ। सो मैं बोल रहा था ना यहाँ पर को काफ़ी भीड़ रहती है, तो आज तो खैर इतनी भीड़ नहीं है, तो टूरिज़्म हल्का है और रेट्स में भी यार रेट्स भी ज़्यादा होटल्स के इतने ज़्यादा रेट नहीं है, तो इधर देख लो यार एकदम सन्नाटा तो नहीं कहा जाएगा लेकिन हल्का है एज़ कम्पेयर टू, मतलब मैं अमूमन जो शूट करता हूँ उस हिसाब से तो कम ही लोग हैं, बाकी
देखो यहाँ पर पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न भी बेचे जा रहे हैं, लोग बैठे हैं आराम से मस्ती कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी मैगी एंड ऑल जो भी एक्स वाई जेड पी सकते हो या खा सकते हो जिसकी जैसी इच्छा है भाई। देखो डॉग्स वॉग्स भी आराम कर रहे हैं नैनीताल के ना, मैं कहता हूँ डॉग्स यार बड़े ही खुशकिस्मत टाइप हैं यहाँ के, मतलब मजानू लाइफ जिनकी होती है ना वैसी है। ये देखो ऐसे हट्टे कट्टे डॉग्स हैं ना यहाँ के भाई, यहाँ के डॉग्स देखो पहलवान टाइप मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी, इन्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाओ पियो आराम करो और मस्त मौसम का आनंद लो। सो बैंड स्टैंड के अंदर आ गए हैं और सामने वाला तो खैर इधर को जाने का हो ही नहीं रहा, अंदर इधर चिल्ड्रंस पार्क भी है। आज का क्या है कि बारिश यार मॉर्निंग में थोड़ी बहुत हुई थी, फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, बाकी मौसम पूरा बना हुआ है आप देख ही रहे हो, सुबह से आज मंडरा रहा हूँ तो मौसम अच्छा बना हुआ है, बट बारिश का जैसा था कि इतनी ज़्यादा नहीं हुई जिस तरीके से कल बारिश हो रही थी, कल अच्छी खासी बारिश हुई है, दिन भर बारिश हुई है और रात में भी बारिश नहीं हुई है। बाकी अगर आ रहे हो तो आप, काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि लैंडस्लाइड तो नहीं हुई है, देखो यार हल्की फुल्की लैंडस्लाइड आपको बीच रस्तों में मिल जाएगी, कुछ टूटे ऊटे मतलब पत्थर वत्थर गिरे हुए दिख जाएंगे, बट इट्स नॉट एन इशू, मतलब यार यहाँ पर साफ़ कर दिया जाता है, यहाँ का डिपार्टमेंट थोड़ा एकदम अपडेट है ना तो एकदम वो सही ही कर देते हैं रोड, क्योंकि नेशनल हाईवे है और टूरिस्ट प्लेस है इस वजह से, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी इफ़ यू आर कमिंग एंड और कार आर से आ रहे हो तो अपनी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी एक चीज़ हो रहा है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो रेलवे स्टेशन है काठगोदाम में वहाँ से आपको कैब मिल जाएगी, तो उनको बता दूँ यस इजीली मिल जाएगी, आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे ना वहाँ भाई उमड़ जाएंगे कैब वाले, मतलब आपके बैग वैग पकड़ के कोई ना खींचने लगे, इस टाइप का भी सीन हो जाता है। सो बहुत इजीली कैब मिल जाती है, किराया करीब अगर आप पूरी कैब करते हो तो 2,500 रुपये लेंगे, अगर इफ़ यू कैन कम विद शेयरिंग टैक्सी इन ऑल सो 150 से 200 रुपये करीब पड़ता है, बाकी रेट्स कुछ ऐसे हैं, रेट्स में यार वो बार्गेन ज़्यादा नहीं करते हैं, तो वहाँ पर काठगोदाम में इजीली कैब ऐप तो मिल जाती है। अच्छा कुछ लोग ना कपड़ों के लेके भी क्वेरीज पूछते हैं कि हम किस तरीके के कपड़े लेके आएँ, ऑब्वियसली बात है ठंडा हो रहा है तो वार्म कपड़े लाने ही पड़ेंगे, बट उनको मैं हर बार एक एडवाइस देता हूँ कि अगर आप नैनीताल आते हो, देखो इस टाइप के स्वेटर्स हैं ये 200, 250, 100 रुपये में फ्लीस, 50 रुपये में कपड़े, इस तरीके से कोट्स ओवरकोट 200-200 रुपये में, तो इफ़ यू डोंट वांट टू कैरी द लगेज, मतलब एक्स्ट्रा लगेज कैरी नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर भाई फुटपाथ में इजीली आपको सस्ते दरों पर कपड़े मिल जाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देखो ऊपर सारे पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ पहाड़ आधे आधे ही दिख रहे हैं, सामने चाइना पिक है जो दिख नहीं रहा है, यहाँ पर स्नो व्यू है वो भी नहीं दिख रहा है, बादल लग रहा है सीधे ज़मीन पर आ गए हैं और यहाँ इधर मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच, नैनीताल में काफ़ी क्रेज़ है फुटबॉल का भी, क्योंकि यही सेम मतलब एक ही ग्राउंड है वैसे तो DSA फ्लैट्स, यहीं पर हॉकी भी होती है, यहीं पर फुटबॉल भी होता है, यहाँ पर क्रिकेट भी होता है, सब हर कुछ यहीं होता है, ये बहुत खैर बड़ा ग्राउंड है तो सारे स्पोर्ट्स ईजिली यहीं पर हो जाते हैं। ओह उधर अभी गोल पड़ने वाला था, मैच चल रहा है लेकिन यार बारिश पड़ने लग गई है तो शेल्टर वेल्टर ढूंढना पड़ेगा, साइड हाइट को कट लें क्योंकि मुझे भीगने का कोई शौक नहीं हो रहा है यार इतने ठंडे में। तो भाई बारिश रुक गई है, मैं यार अंदर दुकान के अंदर घुस गया था क्योंकि ऐसे में यार भीगना मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा बारिश में। देखो सब ने अपनी तरपाले तरपाले डाल रखी हैं सब दुकानों में जितने भी फड़ लगे हैं, और तो कीचड़ ईचड़ तो खैर नहीं होती है नैनीताल में इस तरीके से। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एट लास्ट। आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो लाल वाला बटन से तोड़ो मोड़ो जोड़ो जो भी करो बस सब्सक्राइब कर देना, हम मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।